स्वागत है आपका, गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संख्या ना होने के बावजूद एक अदद राज्यसभा सीट के लिए बसपा ने जिस प्रत्याशी को राज्यसभा के रण में उतारा था वो अखिलेश यादव के एकदम और अपनी ही पार्टी के विधायकों की वजह से राज्यसभा के रण से बाहर हो गए, क्योंकि बसपा प्रत्याशी के प्रस्ताव बनाए गए विधायकों ने प्रस्तावक से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद यूपी की 10वीं सीट पर सपा का समर्थन हासिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता अब साफ हो गया। एक दलित का बेटा राज्यसभा में न जाए, एक दलित का बेटा राज्यसभा के कुर्सी पर न प्रवेश करे, इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद सिर्फ एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने अपने प्रत्याशी रामजी गौतम को राज्यसभा भेजने के लिए जो समीकरण फिट किए थे वो 24 घंटे के अंदर ध्वस्त हो गए। ये तो शुरू से रहा है, ये हम लोग कल ही इस बात को जब 3 बजे जब नॉमिनेशन समाप्त होने वाला था, 2 मिनट रह गया था, तो केवल इसलिए कि एक दलित का बेटा राज्यसभा में न जाए, एक दलित का बेटा राज्यसभा के कुर्सी पर न प्रवेश करे, इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया। आज राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन की जांच के ठीक पहले बसपा के 18 में से 4 विधायकों असलम राय, असलम चौधरी, गोविंद भार्गव, हाकिम सिंह बिंद और मुश्तबा सिद्दीकी ने बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी प्रत्याशी रामजी गौतम के प्रस्तावक के तौर पर अपने नाम से ये कहते हुए वापस ले लिए कि पार्टी ने बिना उनसे सलाह मशवरा और उनके फर्जी दस्तखत की मदद से रामजी गौतम का नामांकन करा दिया। आपके चैनल के माध्यम से ये कहने, हम लोग शपथ पत्र के माध्यम से ये सेंट्रल हॉल में गए थे कि जो उस दिन माननीय रामजी गौतम जी का जो पर्चा भरा गया उसमें जो प्रस्तावक का नाम हमारे डाले गए, माननीय विधायक मुश्तबा सिद्दीकी के डाले गए, माननीय हमारे बिंद साहब के डाले गए, माननीय आपके चौधरी असलम अली के डाले गए, वो प्रस्तावक पर हम लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया था और शपथ पत्र इसी बात का देने गए थे कि उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। लखनऊ में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बसपा के बागी विधायकों में से एक मोहम्मद मुश्तबा ने एबीपी गंगा से बातचीत में बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के प्रस्तावक के तौर पर नाम वापस लेने के बाद पार्टी के दूसरे नंबर के नेता सतीश चंद मिश्रा के खिलाफ विधायकों को धमकी देने के गंभीर आरोप लगा दिए। राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग इनके खिलाफ केस करके इनको जेल भिजवाएंगे, इनको परेशान करेंगे, और वहाँ सारे अधिकारी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, कोई अकेले में नहीं कहा उन्होंने, सारे लोगों के सामने कहा ये बात। तो ये हम लोग अच्छा नहीं लगा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं इस तरीके से हमको कहना, भाई हमारा सिद्धांत अगर नहीं मिल खा रहा है तो हम ना वो कर रहे हैं फिर तो कहे इस तरीके से धमकी दी जा रही है। इस बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बताएंगे, हमारे सदन नेता हैं, बताएंगे हम लोगों को। दरअसल राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच आज लखनऊ में जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी पटकथा पहले से तैयार की जा चुकी थी, जिसके सूत्रधार थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने पहले तो निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज को समर्थन दिया और फिर बजाज की जीत पक्की करने के लिए बसपा के विधायकों में सेंधमारी करके उसी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द करवा दिया, जिसके बाद मायावती के बागी विधायकों को अखिलेश यादव के खास सिर्फ सलाहार MLC उदयवीर सिंह अपनी गाड़ियों में बैठाकर सीधे सपा मुख्यालय जा पहुंचे। हालांकि इस बगावत के बाद अब बसपा के बागी विधायकों को अपनी सदस्यता जाने का डर भी सता रहा है, इसलिए उन्होंने किसी से भी मुलाकात होने की बात नहीं कबूली है। हालांकि बसपा के बागियों ने अब अपने लिए सभी विकल्प भी खुले रखे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा भाजपा विरोधी रही है, हम लोग शुरू से 25 साल से देखते चले आ रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि माननीय बहन जी भाजपा से समर्थन से ले रहे हैं, तो इसका मतलब भाजपा से मिल गई हैं। और तीसरा, हम लोगों को विधानसभा में नए नए कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं कि अब के बाद 22 मई को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, दूसरे को लड़ा जाएगा। इनके कोऑर्डिनेटर हम लोगों को बहुत परेशान भी करते थे। इन सब कारणों से हम लोगों ने फैसला लिया कि भाई जहाँ मान सम्मान न हो वहाँ पर हम लोगों को नहीं पूछा गया, तो हम लोग अपना नाम वापस दे। फिलहाल 7 विधायकों की बगावत के बाद अब मायावती का राज्यसभा की एक सीट पर जीत का सपना तो टूट ही गया। पार्टी के सामने अब अपने विधायकों को एकजुट रखना भी बड़ी चुनौती बन गई है और मायावती को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के गठबंधन की गांठें खोलने का बदला अपनी बुआ से इस तरह ले लेंगे।
लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश मांडे की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में बसपा के विधायकों की बगावत और समाजवादी पार्टी के पाले में चले जाने के बाद पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि सपा की खरीद फरोख्त की पुरानी परंपरा रही है और इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल रही है और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने जो किया उसकी पूरे देश में आलोचना हो रही है। दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि जिन विधायकों ने पार्टी से बगावत की और सपा से हाथ मिलाया उनके खिलाफ पार्टी जल्द कार्रवाई करेगी। खरीद फरोख्त की राजनीति समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रथा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और वो इस चीज़ पे उन्होंने जो संदेशा दिया वो अपने खिलाफ दिया है। वो पूरा देश पूरा प्रदेश इसके लेकर के उनके खिलाफ थू-थू करने का काम करेगा। आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करेगी जो विधायक ये आप करेंगे आपको पता लग जाएगा।